सभी साथियों को नमस्कार। एक और बड़ी हैरान करने वाली ताज़ा खबर सामने आ रही है। अचानक भगदड़ मची, लोगों को भगता हुआ देख पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जब लोगों से पूछा तो पता चला कि फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। फैक्ट्री में लगी इस आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया है कि आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौजूद यहाँ पर लोगों ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो तुरंत एक्शन ने लोगों की जो जान बचाई है वो बेहद ही सराहनीय है। चलिए हम आपको बताना चाहेंगे पूरी जानकारी विस्तार से। दरअसल बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस समय गारमेंट प्रिंटिंग फैक्ट्री में अचानक धुआं उठने लगा। ये धुआं धीरे धीरे एक विकराल भीषण आग के रूप में बदल गया। उस वक्त इस आग में 8 से 10 लोग दोस्तों यहाँ पर फंस गए थे। हालांकि इस फैक्ट्री में करीब 200 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं और ये घटना सुबह सुबह हुई है, इसलिए काफ़ी लोगों की जान बच गई। 8 से 10 लोग उसी बिल्डिंग में रह रहे थे, इस कारण दोस्तों वो फंस गए। लेकिन यहां पर मौजूद पुलिस को जैसी सूचना मिली तो मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुँची और दोस्तों इमारत में रह रहे करीब 10 लोगों को पूरी तरह पुलिस और वहाँ पर मौजूद SDRF NDRF की टीमें और दमकल कर्मियों के द्वारा सुरक्षित निकाल लिया गया है। पुलिस द्वारा लिया गया ये तुरंत एक्शन उसने 10 लोगों की जान बचाई है। इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक लाइक तो बनता है, और तुरंत एक्शन पर आपका क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। हम आपको बताना चाहेंगे गुरुवार सुबह अचानक धुआं उठने लगा और देखते ही देखते ये विकराल रूप धारण कर लिया। नोएडा के CFO प्रदीप कुमार ने इसके बारे में बताया है कि इमारत के अंदर अभी तलाशी और बचाव अभियान अभी भी जारी है। लोगों को बचाने और साथ में आग पर काबू पूरी तरह पा लिया है। इस समय आग के लगने का जो मुख्य कारण उन्होंने बताया है वो शॉर्ट सर्किट है। शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में अंदर आग लग गई और ये पहले धुआं उठा और फिर धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। देखते रहेंगे ताज़ा खबरें, बने रहिए S24 न्यूज़ के साथ।